नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। केंद्र सरकार ने देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए कवायद तेज कर दी है। सरकार ने इस मुद्दे को अध्ययन करने के लिए मामला विधि आयोग को सौंप दिया है, ताकि व्यवहारिक रोडमैप और रूपरेखा तय की जा सके। लोकसभा के अगले चुनाव लगभग 2 वर्ष बाद यानी 2024 में होंगे, जिसके साथ 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इससे पहले वर्ष 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसा माहौल है कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की जरूरत है। आयोग ने उस समय सुझाव दिए थे कि संविधान के अनुच्छेद 83 यानी संसद के कार्यकाल और अनुच्छेद 172 यानी विधानसभा के कार्यकाल और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करने के बाद चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। इससे देश के लगातार चुनाव मोड में रहने से निजात पाई जा सकती है। सरकार ने विधि आयोग को यह मुद्दा जरूर दिया है, लेकिन इस समय विधि आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं है और आयोग का कार्यकाल फरवरी 2023 में समाप्त होने वाला है। विधि आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को बनाया जाता है। वहीं इससे पूर्व 2016 में संसदीय समिति भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे चुकी है। सरकार ने इस रिपोर्ट को भी आयोग को सौंप दिया है, जिसे एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट में संसदीय समिति ने भी एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता जताई है, लेकिन कहा था कि सभी राजनीतिक दल और क्षेत्रों की एक साथ चुनाव पर सहमति बनाने में एक दशक का समय लग सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से 2020 तक 5,794 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 6 वर्ष की इस अवधि में 50 विधानसभा चुनाव, 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं। नियम अनुसार लोकसभा चुनाव में पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है, जबकि विधानसभा चुनाव का खर्च संबंधित राज्य उठाता है। सरकार का कहना है कि यदि चुनाव एक साथ हों तो यह खर्च आधा आधा हो जाएगा और केंद्र और राज्य सरकारों को आधा आधा खर्च ही वहन करना पड़ेगा। जहां तक निर्वाचन आयोग का सवाल है, वह पहले ही कह चुका है कि उसे एक साथ चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए उसे वोटिंग मशीनों की संख्या बढ़ानी होगी, जिसे वह एक तय समय में कर भी सकता है। बता दें कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 1951 से लेकर 1967 तक एक साथ ही हुए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराने से देश का करोड़ों रुपए का खर्च बच सकता है, जो लगातार किसी न किसी राज्य के चुनाव में खर्च होते रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों को भी पूरे देश में बार बार भेजना पड़ता है, जिससे उनका काम प्रभावित होता है। आदर्श आचार संहिता लगाने के कारण विकास कार्य में भी प्रभावित होते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।